वेलकम बैक। कुछ बात करेंगे वेदर नेटवर्क की जानिब से। कहा गया है कि जुमे के रोज टोरंटो का दर्जे हरारत 15 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा सकता है। ताहम गर्म दर्जे हरारत के साथ तेज बारिशों की भी तवक्को है। मजीद अहवाल इस रिपोर्ट में। एनवायरमेंट कनाडा की जानिब से टोरंटो का मौसम गर्म रहने की पेशगोई की गई है। वेदर नेटवर्क की जानिब से कहा गया है कि जुमे के रोज टोरंटो का दर्जे हरारत 15 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा सकता है। ताहम गर्म दर्जे हरारत के साथ तेज बारिशों की भी तवक्को है। महकमा मौसमियात की जानिब से कहा गया है कि इतवार के रोज दर्जे हरारत 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुँच जाएगा। ताहम आइंदा हफ्ते में गर्मी की शिद्दत में मजीद इजाफा भी हो सकता है। कैनेडा से खबर शामिल करेंगे। आपको बताएं, कैनेडा की हुक्मरान जमात लिबरल ने ओपोजिशन की कोशिश को नाकाम कर दिया, जिसमें वो ये तलाश करने की कोशिश कर रहे हैं कि कनाडा की आला अदालत के सरबरा के चुनाव के हवाले से वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो और साबिक अटॉर्नी जनरल जोडी विल्सन रिबोल्ट के दरमियान तनाजात की मालूमात किस तरह मंजरेआम पर आए। मजीद जानेंगे इस रिपोर्ट में। कनाडा की हुक्मरान जमात लिबरल ने ओपोजिशन की कोशिशों को नाकाम कर दिया है, जिसमें वो ये तलाश करने की कोशिश कर रहे हैं कि कनाडा की आला अदालत के सरबरा के चुनाव के हवाले से वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो और साबिक अटॉर्नी जनरल जोडी विल्सन रिबोल्ट के दरमियान तनाजात की मालूमात किस तरह मंजरेआम पर आए। ओपोजिशन की जानिब से इस हवाले से कॉमन्स जस्टिस कमेटी में मामले की तहकीकात के हवाले से कॉल दी गई थी। ताहम लिबरल्स की अक्सरियत होने के सबब ओपोजिशन को नाकामी का सामना करना पड़ा। कदामत पसंद एमपी माइकल कूपर ने तहरीक पेश की, जिसमें कहा गया सुप्रीम कोर्ट में तकरीरियों के हवाले से लीक होने वाली मालूमात बाइसे तश्वीश और आजाद अदलिया के हवाले से भी सवालिया निशान हैं। लिबरल्स की जानिब से मौकिफ इख्तियार किया गया कि तहरीक मुकम्मल तौर पर सियासी और उसमें एसएनसी लेवलियन मामले को घसीटने की कोशिश की गई है। ऑन्टेरियो हुकूमत ने अपने पहले बजट का ऐलान कर दिया है, जिसमे प्रोग्रेसिव कंजर्वेटिव पार्टी ने अपनी मकबूलियत को बरकरार रखने की कोशिश की है। मजीद जानेंगे रिपोर्ट में। ऑन्टेरियो हुकूमत ने अपने पहले बजट का ऐलान कर दिया, जिसमें प्रोग्रेसिव कंजर्वेटिव पार्टी ने अपनी मकबूलियत को बरकरार रखने की कोशिश की है। पीसी ने यह हकीकत बताई कि बजट में रिहायशियों या कारोबारों के लिए कोई नया टैक्स शामिल नहीं है, लेकिन उसमें टैक्स की क्रेडिट्स और वालदैन बुजुर्गों और कारोबारी मालिकान की मदद करने के दीगर इकदाम शामिल है। बजट में ऑन्टेरियो चाइल्ड केयर एक्सेस मुतारिफ कराया गया है, जिसमे खानदानों को कम एतदाल पसंद आमदनी के साथ 7 साल से कम उम्र के बच्चों को $60,000 तक फराहम किए जाएंगे, जबकि 7 से 16 साल तक के बच्चों के लिए $3,750 फराहम किए जाएंगे, जबकि माजूर बच्चों के लिए $8,250 दिए जाएंगे। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वजीर खजाना विक फिडली का कहना था कि 2019 के बजट में आवामी मुफाद को मद्देनजर रखा गया है। हम मालियाती तवाजुन को बहाल कर रहे हैं, ऑन्टेरियो को कारोबार और मुलाजमतों के लिए खोल रहे हैं। हमारी सेहत की देखभाल, तालीम और दीगर अहम आवामी खिदमात और ऑन्टेरियो के लोग हमारी तरजीह है। कुछ बात करेंगे। टोरंटो डिस्ट्रिक्ट स्कूल बोर्ड के बजट में कमेटी को पेश करदा एक दस्तावेजात के मुताबिक आइंदा साल सूबे की जानिब से तालीम की माली इमदाद में तब्दीलियों के सबब ऑन्टेरियो के सबसे बड़े स्कूल बोर्ड को $28.7 मिलियन की कमी का सामना करना पड़ सकता है। मजीद जानेंगे इस रिपोर्ट में। टोरंटो डिस्ट्रिक्ट स्कूल बोर्ड के बजट कमेटी को पेश करदा एक दस्तावेजात के मुताबिक आइंदा साल सूबे की जानिब से तालीम की माली इमदाद में तब्दीलियों के सबब ऑन्टेरियो के सबसे बड़े स्कूल बोर्ड को $28.7 मिलियन की कमी का सामना करना पड़ सकता है। प्रोग्रेसिव कंजर्वेटिव हुकूमत ने गुज़िश्ता महीने तालीम के फंड्स में कमी का ऐलान किया, जिसमें 23.84 से 24.5 तक ग्रेड 4 से 8 तक औसत क्लास का साइज बढ़ाया गया है। TDSB की चेयरपर्सन रॉबिन पिल्की ने कहा कि बोर्ड्स को अभी तक कमी की मखसूस खराबी नजर आती है। ताहम हुकूमती ऐलान की रोशनी में 2019 और 2020 के मनसूबों पर काम कर रहे हैं। हमारे पास हतमी नंबर नहीं है, ये वही है जो हम आप जानते हैं। हमें उम्मीद है कि ये बदतर नहीं होगा, हम कुछ बड़े फैसले करने के लिए तैयार हैं। TDSB की चेयरपर्सन ने कहा कि इस नए बजट को एडजस्ट करने के लिए कई असाज़ा की नौकरियां जा सकती हैं। वाज़ेह रहे कि सूबे ने तालीमी फंड्स में तब्दीलियों के लिए कड़ी तनकीद का सामना किया है। इसी के साथ ही TNN के न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए TNN TV।